ऑर्डिनल अप्रोच फिनिश करने के बाद नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द ऑर्डिनल अप्रोच. और ऑर्डिनल अप्रोच एक्चुअली कार्डिनल अप्रोच की जो बेसिक ड्रॉबैक्स थे उसको दूर करते हुए एक नई मेथड इंट्रोड्यूस की गई. कार्डिनल अप्रोच में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी इज मेजर्ड इन सम एब्सोल्यूट वैल्यू इन सम यूनिटरी सेंस. कि हम ये देखते थे कार्डिनल अप्रोच में कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उससे आपको मान लो 150 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. एक ये जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स था, ये मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कार्डिनल नंबर्स, ये इसका इट इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कार्डिनल अप्रोच और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना. भाई हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस अप्रोच में दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. ये प्योरली एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और जो उसका यूजर है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर हिमसेल्फ डिफाइंस द यूटिलिटी के उसको कितनी यूटिल्स एक्चुअली मिल रही हैं कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से. कि जैसे हमने कहा कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की देन वी आर गेटिंग टोटल 150 यूटिल्स. और एक कॉमन पर्सन के लिए और एक नॉर्मली इस चीज़ को डिफाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम कहें कि भाई हमने एक आइसक्रीम परचेज की और एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो उस आइसक्रीम से हमें 400 डिटेल्स मिली, 500 डिटेल्स मिली. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ये एक प्योरली एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और बंदे की साइकोलॉजिकल होता है. और दूसरी बात ये कि इसको प्रैक्टिकली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता, कार्डिनल नंबर्स को प्रैक्टिकली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता. तो इसी के अगेंस्ट इन्हीं ड्रॉबैक्स को इसकी क्रिटिसाइज करती हुई दूसरी मेथड आई दैट इज कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स में हमने डिफरेंस दिखा था दैट कार्डिनल नंबर्स कि भाई एक क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं से फॉर एग्जांपल, और 5 स्टूडेंट्स में से 50 और 80 90 40 और 30 मार्क्स, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है बंदे के आउट ऑफ 100, 50 ऑन 100, 80 ऑन 100, 90 ऑन 100, 40 ऑन 100 एंड 30 ऑन 100. तो जो मार्क्स आप स्कोर करते हो या जो भी आपका परसेंटेज होता है, दैट परसेंटेज ऑफ दैट मार्क इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर. कार्डिनली आपने एक्सप्रेस कर रखा है कोई कमोडिटी की वैल्यू, कोई कमोडिटी की प्राइस, जैसे ये यूटिल्स थी, ये सब कार्डिनल नंबर्स है. 1, 2, 3, 4, 5, ऑल दीज आर कार्डिनल नंबर्स. तो ये कार्डिनल नंबर्स थे जिसमें हम हमारी यूटिलिटीज को एक्सप्रेस कर रहे थे. से ये 5 स्टूडेंट्स हैं और इनके ये आउट ऑफ 100 50 80 90 40 एंड 30 मार्क्स हैं. अब अगर हमें इन्हीं को ऑर्डिनली एक्सप्रेस करना है, जैसे आपके एग्जाम के मार्क्स कार्डिनली तो एक्सप्रेस होते ही हैं प्लस आपको एक ऑर्डिनल नंबर से भी उसको एक्सप्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रैंक्स, तो हम इनकी अगर रैंकिंग करेंगे तो व्हाट वुड बी द रैंकिंग, रैंकिंग एक्चुअली क्या होना चाहिए. तो रैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एंड ई, तो स्टूडेंट ए सी स्कोर्स द फर्स्ट रैंक, स्टूडेंट बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हम क्या करते हैं इसमें रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी होती है. तो जब ये बोला गया कि भाई कार्डिनली किसी यूटिलिटी को और सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करना और मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इससे बेटर है कि हम इसमें प्रायोरिटीज या प्रेफरेंस या रैंकिंग करें. भाई हर बंदा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करता है. से जैसे अगर कोई एक बहुत ही एक बंदा उसके पास कमोडिटी है एप्पल और बनाना, तो अगर आप उसको कहो कि भाई आपको क्या लेना है तो वो अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकता है दैट ही विल प्रिफर एप्पल ऑन बनाना. तो अगर वो एप्पल प्रेफर कर रहा है बनाना के ऊपर, मींस ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द एप्पल एज कंपेयर टू द बनाना. अब वो एप्पल ले रहा है, अब ये हम उससे नहीं पूछ रहे कि भाई तुझे इस एप्पल से कितना एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या तो नेचुरली एप्पल और बनाना उसके सामने रखा गया है तो नेचुरली वो एप्पल को प्रेफर कर रहा है, तो मींस ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द एप्पल. तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करते हैं. जैसे हम उसे कहें कि भाई हमने आपके सामने 5-6 चीजें रखी कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, और इसमें से आप क्या प्रेफर करते हैं, इसकी रैंकिंग क्या होगी. तो अगर उसने कहा कि भाई आई विल प्रेफर एप्पल ऑन फर्स्ट रैंक, ग्रेप्स ऑन सेकंड, ऑरेंजेस ऑन थर्ड एंड बनाना ऑन फोर्थ, तो मींस ये प्रायोरिटी उसकी रैंकिंग सेट कर रहा है.
रैंकिंग सेट कर रहा है मींस के सबसे हाई प्रायोरिटी, सबसे हाई सेटिस्फैक्शन जो रिसीव होगा ही विल रिसीव फ्रॉम द एप्पल, देन ऑन फ्रॉम ग्रेप्स एंड देन फ्रॉम ऑरेंजेस एंड देन फ्रॉम बनाना. तो प्रायोरिटी सेट करना, प्रेफरेंसेस सेट करना इज कंपैरेटिवली इजियर देन एक्सप्रेसिंग द यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स. आप एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. कोई भी हो, बड़े से बड़ा बंदा भी हो, कितना ही एजुकेटेड हो, अगर हम उससे कहेंगे कि भाई आपको कितनी यूटिलिटी रिसीव हो रही है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो यहां पर थोड़ा सा ये जो यूटिलिटी का जो एक्सप्रेशन था इन कार्डिनल नंबर्स, वो इसका सबसे बड़ा फीचर था और वही इसका सबसे बड़ा बेसिकली ड्रॉबैक बना. तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने दूसरी मेथड ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें हम प्रायोरिटीज, रैंकिंग, प्रेफरेंसेस लेते हैं, उसको इंट्रोड्यूस की गई. और यहां पर बंदा ये देखेगा कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए प्रेफरेबली बेटर है. तो यहां पर रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो बंदा बेसिकली चलता है इसके अंदर. इसी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के दिन फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे बजट लाइन एंड देन स्ट्राइकिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर ऑर्डिनल अप्रोच.